गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइलियन विद ज्योति। तो मैं हूँ ज्योति और मैं यहाँ पर पोस्ट करती हूँ मेकअप, ब्यूटी, फैशन, लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियोस। तो अगर आज आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, इससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है स्टाइलियन विद ज्योति, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ एक ब्लॉग जो कि मेरा एंगेजमेंट ब्लॉग है। तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि एंगेजमेंट ब्लॉग शेयर कीजिए, बट मेरे पास बहुत सारी वीडियोस नहीं थी, तो छोटी छोटी क्लिप्स हैं वो मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगी। अभी ये वीडियोज आए नहीं है, जब वीडियोज बन के आ जाएगी तो वो मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगी। बट अभी ब्लॉग में ना मैंने थोड़े बहुत ब्लॉग शूट किए थे, बहुत ज्यादा नहीं किया था, तो जितना भी क्लिप्स मेरे पास है वो मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगी। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ में बहुत ही अमेजिंग सा प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ जो कि है मामा अर्थ से। तो ये जो प्रोडक्ट है ये है मामा अर्थ का उपटन फेशियल किट। तो उपटन जो है ना वो हमारे फेस के लिए काफी अच्छा होता है, ये तो हम सब जानते हैं, क्योंकि हमारा एक जो हम एक रेमेडी यूज करते हैं ना वो एक यही होता है ना कि हम एक उपटन बना के अपने फेस पे लगा लेते हैं। तो ये ना उपटन की पूरी रेंज है जिसमें आपको 6 स्टेप्स मिलते हैं। एंड इसका जो की इंग्रेडिएंट्स है वो है टर्मरिक एंड सैफ्रॉन है। तो टर्मरिक, जैसा कि आप सब जानते ही है, टर्मरिक हमारे फेस के लिए कितना ज़्यादा अच्छा होता है। टर्मरिक में है जो है वो है एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारे फेस को एक अच्छा सा ग्लो देते हैं, ब्राइट करता है। सैफ्रॉन जो होता है वो हमारे सेल्स को इम्प्रूव करता है एंड हमारे फेस को हाइड्रेट करता है। एंड इसमें आपको ग्लिसरीन भी मिल जाएगा। तो अगर आपकी ड्राई स्किन है, सर्दियों में तो ज़्यादातर सबकी ड्राई स्किन हो जाती है, तो ग्लिसरीन तो बहुत ही अमेजिंग होता है अगर आपकी ड्राई स्किन है ना, क्योंकि मेरी स्किन जो है ना वो बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा है। ग्लिसरीन जो है हमारे फेस को मॉइस्चराइज करती है एंड हाइड्रेट करती है। तो अगर आपकी ड्राई स्किन है तो डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए इसको। और वैसे भी पार्लर में जाके हम बहुत सारे पैसे खर्च करके आ जाते हैं, तो यहाँ पर आप घर पे भी आराम से कर सकते हो। एंड इसका ये जो है कुछ इतना बड़ा सा है, तो इसे आप मतलब 2 से 3 बार यूज कर सकते हो, वो डिपेंड करता है कि आप कितना यूज करते हो। एंड आप सबको पता ही है मामार्थ जो है वो एक ट्रस्टेड ब्रांड है, इनके जो प्रोडक्ट होते हैं ये प्लांट बेस्ड होते हैं। एंड मामार्थ जो है एक प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है, ये प्लास्टिक को रीयूज करते हैं एंड प्लांट भी लगाते हैं। इनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो पैराबेन एंड सल्फेट फ्री होते हैं, ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड होते हैं एंड इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं होते हैं। एंड इनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो मेड सेफ सर्टिफाइड होते हैं, विच मीन नो टॉक्सिन एंड नो हार्मफुल केमिकल्स, एंड ये सारे जो है नेचुरल होते हैं। तो अगर आप इन्हें ट्राई करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं। तो अगर आप लेना चाहें तो आप इसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट एंड नायका एंड पर्पल पे भी ले सकते हैं, आप इनकी वेबसाइट पे भी जाके ले सकते हो। एंड इनका ऐप भी है तो आप इनका ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। ये सारे लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट के लिए आप मेरा कोड भी यूज कर सकते हो, जो कि मैं स्क्रीन में मेंशन कर दूंगी। एंड जो कोड है मेरा वो है Game2022। तो चलिए मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ कि आपको इसे कैसे कैसे यूज करना है। सो गाइस, सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट जो है वो है क्लींजिंग मिल्क, जो कि हमारे फेस को अच्छे से क्लीन कर देता है। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा लेंगे और अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई करेंगे, और उसके बाद हम इसको हमें आप इसे 5 से 10 मिनट तक अच्छे से मसाज कर सकते हैं अपने फेस पे, जिससे आपका फेस जो है वो अच्छे से क्लीन हो जाए। एंड उसके बाद हम इसको वॉश कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर सेकंड जो है वो है फेस स्क्रब, जो कि हमारे फेस पे जो भी टैन वगैरह हो जाते हैं ना वो अच्छे से रिमूव हो जाएंगे। तो फेस स्क्रब को आपको थोड़ा सा अपने हाथों पर लेना है एंड अपने फेस पे इसे अच्छे से मसाज करनी है। इस पर आप थोड़ा सा ना वो पानी लेके तब मसाज करें, क्योंकि ऐसे सूखा सूखा सा ये आपके फेस को थोड़ा सा हर्ट कर सकता है। तो आप थोड़ा सा पानी ले के फिर अच्छे से अपने फेस पर मसाज करें, इससे आपके जो फेस पर जो भी टैन वगैरह होंगे, डस्ट होंगे, वो अच्छे से रिमूव हो जाएंगे। इसको भी आप 2 से 3 मिनट तक ही कर सकते हैं, या फिर अगर आप ज्यादा भी करना चाहें तो कर सकते हैं। फेस स्क्रब को अप्लाई करने के बाद हम इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे एंड उसके बाद हम अप्लाई करेंगे जेल। तो यहाँ पर ये जो जेल है ना, ये उपटन सूदिंग जेल है जो हमारे फेस को डीप हाइड्रेट करता है। तो इसको अपने हाथों पर थोड़ा सा लेके हमें अच्छे से अपने फेस पे मसाज करनी है। आप इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मसाज कर सकते हो अपने पूरे फेस पे एंड उसके बाद इसको आपको वॉश नहीं करना है। ये आपको तब तक मसाज करनी है जब तक ये आपके स्किन में अब्सॉर्ब ना हो जाए। एंड उसके बाद हम यूज़ यहाँ पर ये मसाज क्रीम, तो क्रीम को भी आपको थोड़ा सा हाथों पर लेके अपने फेस पे लगा के इसे अच्छे से मसाज करनी है, जब तक ये क्रीम जो है आपके फेस में अच्छे से अब्सॉर्ब ना हो जाए। ये हमारे फेस की जो भी ब्राइटनिंग होती है उसे इम्प्रूव करता है।
एंड फेस में एक अच्छा सा ग्लो ऐड करता है। क्रीम अप्लाई करने के बाद ना यहाँ पर मैं उपटन फेस मास्क यूज करूंगी। इनके बाद मैं यहाँ पर यूज करूंगी फेस मास्क। तो इसके लिए यहाँ पर आपको स्टेप 5 फॉलो करना है। तो इस फेस मास्क को आपको अपने हाथ पर लेके थोड़ा सा और पूरे फेस पे अच्छे से लगा लेना है। उसके बाद इसको आपको इसे सूखने तक छोड़ देना है। जब ये सूख जाए तो उसके बाद आप इसे वॉश कर। एंड लास्ट में यहाँ पर ये है उपटन ग्लो क्रीम, जो कि हमारे फेस को अच्छे से ब्राइट बनाता है, ग्लोई बनाता है। उसके लिए आपको उस क्रीम को अच्छे से अब्सॉर्ब करना है, जिससे इसका मॉइस्चराइजर जो है वो लॉक हो जाएगा आपके फेस में एंड आप इसे आराम से इसे छोड़ सकते हैं। ये तो इसमें नहीं है। से हेलो, कर रही थी, किसी में रख दी होगी। बहुत बिजी हैं लोग यहाँ पे आज, क्या बताया जाए। बटन बंद करो। ये देखिए, ये कौन है? क्या आपने इन्हें पहचाना? No. क्या आपको डॉली दीदी दिख रही है? अरे हाँ, वहाँ पे आपका है। सो गाइस, मैं यहाँ पे ना अभी ये पैकिंग शैकिंग जो है ये पैकिंग हो रही है एंड यहाँ पे भी काफी ज्यादा सामान रखा हुआ है। एंड सो आज ये व्लॉग मैं शूट करने वाली हूँ आधा, एंड आधा मुझे नहीं पता कौन शूट करेगा, लेकिन पहले तो मैं शूट करने वाली हूँ। हम लोग काले काले दिख रहे होंगे गाइस, ये देखो गाइस, ये रेड दिख रही डॉग, वो देखो गाइस, वो देखो गाइस, इधर भी बैठे हैं ये पतले, थोड़े दिखते नहीं है। हेलो हेलो, ये बैठे हैं। ओह माय गॉड, मैं तो डर गई। नेशनल हां, काय हो गया दोई, काले को बैठा दीदी। चलो चलो बैठो बैठो बैठो, आ गए आ गए। ओ गाइस, वी आर ऑन द वे, वीडियो में आओ भाई दिखो। मुझे मत लो। क्यों? मुझे मत लो। गांधी देखो दीदी की बस, ये देखो, बाय बाय। इसमें बड़ा सुंदर आ रहा है। बिफोर मेकअप आफ्टर मेकअप गाइस, एक स्टेज आएगा ऐसा लग रहा है। देखो गाइस, अयोध्या की सड़कें बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हैं। पीछे ना राम जी की मूर्ति थी, मैंने हमको पीछे बताया था। और ये देखो कौन मूवी, आ गए हम लोग, पहुंच गए होटल पंचशील। प्यारा है, फोटो खूब अच्छी खींचा जाएगा अभी तुरंत। अरे देखो गाइस, उधर बन रहा है, करो एंट्री। कितना प्यारा है, बेइज्जती कर रही। ब्यूटीफुल गाइस, तुम यहाँ कैसे पानी पी रहे हो? वो देखो मार तो कहीं मारेंगे उसको। रिसेप्शन कहाँ पे? होटल का है अच्छा। So guys, we have reached. ये देखो कितना प्यारा लग रहा है ना। Finally we are arrived. ये देखो, and ये ना इधर से ही ऐसा है। Dolly, how's your feeling? आप कैसा फील कर रहे हो अभी? बहुत अच्छा, लेकिन बहुत नर्वस लग रहा है। गाइस मुझे ये ना बड़ा अच्छा लग रहा है, प्यारा सा। शुरू करें। हे गाइस, यहाँ पे डॉली दी का मेकअप शुरू होने वाला है। आपको कैसा लग रहा है भाई? ज्योति बोलो, अब तो डॉली हटाओ, डॉली बोलो। सो गाइस, यहाँ पे ना डॉली का मेकअप होने जा रहा है। सब कुछ अच्छे से सेट हो चुका है, तो वो लोग का अलग चलता है। रुकिए देख लेते हैं क्या चल रहा है। हाय गाइस, हेलो। सो गाइस, यहाँ पे डॉली दी का शूट होने जा रहा है रील। इधर तो अभी एकदम रील शूट हो रहा है ना। हम लोग अभी तैयार नहीं होंगे, क्योंकि अभी बहुत जल्दी आ गए हम लोग होटल में। बट कोई बात नहीं, घूमेंगे, थोड़ा टहलेंगे, खाएंगे, कुछ भूख लगी है। गॉड, दिस इज सो ब्यूटीफुल गाइस, इन्होंने पहन लिया है। हाँ, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है यार। डॉल दी, हाय हाय। थोड़ा डिस्टेंस बना के रखिए, ऐसे फोटो शूट होगा। सो ब्यूटीफुल यार, इसका फ्लेयर कितना प्यारा है। तुम्हारा कॉल करूँ? सब लोग अपने काम में बिजी हो गए हैं, वो वहाँ पे
बाल कर्ल करने जा रही हैं और वहाँ पे वो डॉली का मेकअप चल रहा है। मैं यहाँ पे अकेले बैठी हूँ एंड बोर हो रही हूँ। कैसा लग रहा है जो आंखों का मेकअप हो गया। यहाँ पे डॉली रेडी हो रही है, यहाँ पे ये रागनी रेडी हो रही है। कॉल मी शी। ओ, ये कौन प्रिंसेस बन गया? नहीं बन रहा बापू। आहा, ये देखो इसके बाल ही नहीं ऐसे होने वाले। रेडी ना दीदी, आप कौन है अंदर? हां हां, ये कौन है अंदर? दीदी है, दीदी है, दीदी है बस। कैसा भी क्या है, देखो मैं कैसी लग। ये परफ्यूम लगा के सो रहे हैं फ्रेंड्स के साथ एंड सब कुछ रेडी हो चुका है, बस उनको नीचे लेकर जाना है एंड जब नीचे से कॉल आएगा तो हम लोग नीचे लेकर जाएंगे। तो गाइस यहाँ पे एंट्री हो रही है। विकी सर, कैटरीना मैम, सुनिए। सो गाइस यहाँ पे ना एंगेजमेंट का सब कुछ जो ना तैयार हो चुका है, मतलब एंगेजमेंट होने वाली है। ये डॉली दीदी खाना खाते हुए, हाय डॉली, हाय। सो गाइस यहाँ पे ना प्रोग्राम खत्म हो चुका है, बस खाना वाना था जो हम लोग ने भी खा लिया है। खाने का ब्लॉग क्या दिखाया यार, खाने ही तो खा रहे थे। सुन तो अभी क्या होगा, अब मुझे नहीं पता क्या होगा, बट अभी हम लोग थोड़ा सा आराम करेंगे, बैठेंगे। यहाँ पे एक बार फिर से फोटोशूट होते हुए। सो गाइस सब कुछ खत्म हो चुका है, हम लोग रूम का होटल भी खाली करके आ चुके हैं। होटल का रूम पैकिंग इज डन, नाउ वी आर लीविंग द गेस्ट हाउस। अरे गजब है जी, लव दिस। ओके एंड हियर, बंद तो नहीं किया, बहुत ज्यादा थक गई। वीडियो ब्लॉग। बाय बाय गाइस, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा न्यू कपल को। सो गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। कितनी अलग लग रही है, एंड शी गॉट इन।